ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम एक नहीं दो दो अघोरियों को जवाब देंगे और आज हम आप लोगों को ओझाई और तंत्र विद्या के सारे रहस्यों के विषय में बताऊंगा, खोल के पूरा रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद ओझाई और तंत्र विद्या के विषय में हम आपको जानकारी नहीं देंगे। विशेष सूचना ये है कि हमारा किसी से भी वैचारिक या व्यवहारिक मतभेद नहीं है। कौन क्या करता है, क्या साधनाएं करवाता है, अपने व्यूअर को, अपने सब्सक्राइबर को क्या बताता है, कितना सही बताता है, कितना झूठ बताता है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। परंतु जब शास्त्रों की व्याख्या को गलत कहेगा, और हमने शास्त्रों को पढ़ा है, वहाँ पे मैं इनका विरोध करूँगा। बस यही एक जगह छोड़ दीजिए कि शास्त्र को बदनाम मत कीजिए, बाकी आप अपने व्यूअर को जितना सही झूठ बोलना है बोलिए, जितनी चमत्कारी घुट्टी पिलाना है पिलाइए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रश्न उठा संदीप कुमार जी के प्रश्न से। संदीप कुमार जी प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, गंधर्व कन्या की साधना एक बाबा करा रहे हैं, आप गंधर्व के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। हमने इन्हें कहा कि आप हमारा एक पुराना वीडियो पड़ा है सोधनी देवी का रहस्य, वो देख लीजिए, क्योंकि YouTube के एक प्रचलित अघोरी बाबा हैं जिन्होंने सोधनी के पिता को यक्ष और माता को गंधर्व बताया। इसमें हम पूरा चिट्ठा खोल के रखे हैं, परंतु आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं। जैसे पुरुष का फीमेल वर्जन स्त्री है, यक्ष का फीमेल वर्जन यक्षिणी है, देवता का फीमेल वर्जन देवी है, लेकिन गंधर्व का फीमेल वर्जन नहीं है। गंधर्व सिर्फ और सिर्फ मेल को कहते हैं, गंधर्व में फीमेल होता ही नहीं है। अगर एक भी फीमेल गंधर्व का ये दो के दोनों अघोरी नाम बता देंगे तो हम अपने सारे शास्त्रों के साथ गंगा जी में डुबकी लगा लेंगे और धर्म की बातें करना छोड़ देंगे, चैलेंज खुला दे रहे हैं। तो गंधर्व का फीमेल वर्जन क्या है? अथर्ववेद में गंधर्वों की निश्चित संख्या बताई गई है कि 6333 हैं, ये न बढ़ते हैं न तो कम होते हैं। ऋग्वेद में भी गंधर्वों के विषय में बताया गया है, विष्णु पुराण में भी गंधर्वों के विषय में बताया गया है, क्योंकि गंधर्व संतान को जनित नहीं कर सकते, पीढ़ी नहीं बढ़ा सकते, वंश नहीं बढ़ा सकते। गंधर्व ब्रह्मा जी के नाक से उत्पन्न हुए थे, जब ये उत्पन्न हुए थे तो वाग देवी के मंत्रों का जाप कर रहे थे। बहुत सारे इनके विवर और ये खुद नहीं जानते होंगे वाग देवी हैं क्या, अथर्ववेद पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। वाग देवी सरस्वती देवी का एक बहुत ही उच्च कोटि का स्वरूप है, यही कारण है कि ये वाग देवी के मंत्रों को जाप करते हुए उत्पन्न हो रहे थे, तो इन्हें गायन में श्रेष्ठ कहा गया। विष्णु पुराण के अनुसार ये ऋषि कश्यप और देवी अरिष्ठा के गर्भ से फिर जन्म लिए। इनकी संख्या न कम होती है न ज़्यादा होती है, ये गायन में श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग के जासूस हैं, स्वर्ग के सारे रहस्य जानते हैं, और देवताओं को अमृत पिलाने का कार्य भी गंधर्वों का है। गंधर्वों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है किसी औरत को आकर्षित करने के लिए। जब किसी औरत को आकर्षित करना हो तभी गंधर्व का प्रयोग किया जाता है, इनके मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा कोई भी काम गंधर्व नहीं करते, क्योंकि ये फीमेल होते ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पुरुष के अपोजिट कुछ बनाया जाए, तो ब्रह्मा जी ने अप्सराओं का निर्माण किया। गंधर्व और अप्सरा लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं, अर्थात साथ में रहते हैं, ये देवताओं के मनोरंजन का कार्य करते हैं, जासूसी का कार्य करते हैं, और देवताओं को जिससे भय होता है उन्हें प्रभावित करके उनका दिशा भ्रम करने का काम करते हैं। तो समझ लीजिए गंधर्व में फीमेल होता ही नहीं है। अपने गुरुजी से पूछो क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों शास्त्रों को बदनाम कर रहे हो, एक भी गंधर्वी का नाम बता देंगे तो मैं इनकी शिष्यता स्वीकार कर लूंगा, मैं खुद इनका स्वागत करूंगा। तो सोधनी न तो यक्ष और गंधर्व की संतान है और न तो कोई और गंधर्व है,
जिनकी कोई संतान है, क्योंकि इनका वंश नहीं बढ़ता है और महाभारत में भी इनका वर्णन मिलता है। इसलिए इनके विवर से कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी जो कहा करें, थोड़ा तुम्हारे पास भी भगवान ने 50 ग्राम का दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो, शास्त्रों को पढ़ो और अपने गुरु को भी तौलो कि वो कितना सही है कितना झूठ। चमत्कार देने के चक्कर में मर्यादा भंग कर देते हैं। अरे शक्तियों के विषय में तो झूठ बोलो, चलो ठीक है, मरघट की कालका को देवी कालका बना के पुजवा दो, चलो ठीक है, ब्रह्म को तुम हनुमान बता के पुजवा दो, चलो ठीक है, थान को भैरव बता के पुजवा दो, चलो ठीक है, ये तो चलो ठीक है, तुम्हारा धंधा है, समझ में आता है। परंतु अब इस स्तर पे आ गए हो कि वेदों में भी मिलावट, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं ओझाई और तंत्र विद्या के बारे में। ओझाई तंत्र की ग्रामीण शाखा है जो कि बहुत शक्तिशाली शाखा है, इसके माध्यम से आप उपचार कर सकते हो। ओझाई विद्या में पारंगत होने के लिए, एक सफल ओझा बनने के लिए आपको कम से कम 3 साधनाएं करनी पड़ती है। पहली साधना आपके कुल देवी देवता की साधना होती है, दूसरी साधना आपके क्षेत्रपाल के कुनबे की होती है। क्षेत्रपाल अर्थात डीह, डीह का कुनबा होता है। डीह कुल 5 शक्तियों के साथ रहते हैं। पहली शक्ति होती है डीह अर्थात क्षेत्रपाल, जो क्षेत्र की रक्षा करता है। दूसरी शक्ति होती है शीतला की, जो आपके क्षेत्र में धर्म को स्थापित करती हैं। तीसरी शक्ति होती है गवहेर काली को, गवहेर काली ही वो शक्ति है कि जो एक के घर से भूत उठा के दूसरे के घर में डालती हैं, यही इस तवे की रोटी उस तवे पे डालती हैं। चौथी शक्ति होती है शायर की, शायर जादूगरनी होती है, शायर बीमार करने का काम करती है। पांचवी शक्ति होती है मरी की, मरी अकाल मृत्यु देती है। 2 साधनाएं हो गई, कुल देवी देवता की साधना और क्षेत्रपाल के कुनबे की साधना। तीसरी साधना आपको करनी होती है कि आपके क्षेत्र में आसपास में कोई शक्तिशाली मशान है, थान या ब्रह्म है, तो आप उसकी साधना करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि एक थान या ब्रह्म के अंतर्गत बहुत सारी शक्तियां रहती हैं। अगर वो थान या ब्रह्म ताकधारी है, 400-500 साल पुराना है और शक्तिशाली है, तो उन 400-500 साल में उस क्षेत्र में जितनी भी आत्माएं होंगी, जितनी भी अकाल मृत्यु हुआ होगा, वो सब आत्माएं उसी थान ब्रह्म के कुनबे में जाके मिलती हैं। अब उसमें ओझा तांत्रिकों की भी आत्माएं होती हैं, उसमें कन्या मरी तो देवी का रूप बन के जाती हैं, उसमें अगर कोई विवाहित औरत मरी तो डाकनी का रूप बन के जाती हैं। तो उसमें एक ही थान ब्रह्म के कुनबे में लगभग हजारों आत्माएं होती हैं, अगर वो पुराना और ताकधारी है तो। क्योंकि क्षेत्रपाल, गवहेर काली, शीतला, ये लोग मृत आत्माओं को अपने पास नहीं रखते हैं। ये लोग वहाँ के एक ताकधारी ब्रह्म को या एक शक्तिशाली थान को या मसान को दे देते हैं, वो इसको संभाल के रखते हैं। तो जो सबसे निम्न कोटि के ओझा हैं, वो अपने कुलदेवी देवता, अपने क्षेत्रपाल के कुनबे और थान ब्रह्म से काम करते हैं। जो इनसे थोड़ा उच्च कोटि के हैं, वो पूरब के सेंज को भी सिद्ध करते हैं, जैसे बाबा बीर बुलाकी मसान, कमाल सैयद खान, गाजी मियाँ, बड़े पुरुष परिहार, बहुत सारे लोग तो मरघट की कालका को भी सिद्ध करते हैं और काल भैरव को सिद्ध करते हैं। इस तरीके की ये साधना करके इससे बड़ा तांत्रिक बनते हैं। तो इस तरीके की साधना करके बड़ा ओझा या सोखा बनते हैं। अब इनसे जो उच्च कोट के होते हैं, वो देवी की सेवा करते हैं। देवी की सेवा करने के साथ साथ वो महाविद्याओं की साधना करते हैं और देवी के मंत्र का जाप करते हैं। एक किसी के लिए कार्य नहीं करते, इनके लिए शक्तियाँ कार्य करती हैं, क्योंकि ये न तो मरघट की कालका को सिद्ध करते हैं, न तो पूरब के सेंज जादू को सिद्ध करते हैं, न तो क्षेत्रपाल को सिद्ध करते हैं और न ही कुल देवी देवता को ही सिद्ध करते हैं। ये सीधा सीधा सिद्ध करते हैं एक शक्तिशाली शक्ति की, जो इन्हें बताती है। और वो शक्ति होती कौन है? वो शक्ति या तो देवी बिंध्यवासिनी होती है या तो काली होती है। इन्हें सोखा कहा जाता है, क्योंकि देवी रास्ता बताती है कि ऐसे काटो, ऐसे करो, वैसे काटो, वैसे करो, और देवी के आदेश से आप किसी भी मसान थान को बुला के अपना काम करवा के उन्हें भोग दे के जा सकते हो। लेकिन इन्हें बहुत बड़ा मत समझ लेना,
ये जो छोटे लेवल के ओझा होते हैं वो इनको भी नचा देते हैं। तंत्र में शक्तियां महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तंत्र में क्रिया और प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तंत्र में बड़ी सी बड़ी शक्तियों को ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं और शक्तियां पड़ी रहती हैं। तंत्र में कभी भी कोई अकेली शक्ति काम नहीं करती है, इसलिए जो हम ओझा तांत्रिक का साधना समूह बनाए इसमें 6 शक्तियां सिद्ध करा रहे हैं। आधी शक्तियां ओझा की है और आधी शक्तियां तांत्रिकों की है, जिससे हम अपने शिष्यों को परफेक्ट बना सकें। और जो हमारे शिष्य अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, कोई भी ओझा तांत्रिक को हम चैलेंज दे रहे हैं कि उनसे सामना कर लो, आप उनके सिर्फ एक मंत्र से सामना कर लो। तो ये होता है। और तंत्र, तंत्र तो बहुत विशाल है, तंत्र के विषय में कहना ही क्या। तंत्र वो समंदर है जिसमें बड़ी से बड़ी शक्तियां ऐसे डूब जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। तंत्र में तो आयुर्वेद, वनस्पति, इनसे तुम बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। तंत्र का रहस्य ही अद्भुत है। तंत्र के विषय में बोलने लगूं तो कम से कम साल भर तो मैं आपको सिर्फ एक विषय पे बोल सकता हूं। थोड़ा समझा करो, थोड़ा जाना करो। आप लोग किसी भी बाबा के साथ हो, किसी भी अघोरी के साथ हो, उनके साथ बने रहो, छोड़ो मत उनका साथ। लेकिन यदि वो गलत कर रहे हैं तो वहां विरोध भी करो। हमारा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, हम गलत कर रहे हैं तो हमारा भी विरोध करो, क्योंकि हम धर्म से ऊपर नहीं हैं, हम शास्त्रों से ऊपर नहीं हैं। शास्त्र ने हमें बनाया है जो हम बने हैं, हमने शास्त्र नहीं बनाए हैं। तो ये गुप्त ज्ञान वालों से बच के रहना। ये तुम्हें 1 घंटे का वीडियो दिखाएंगे, बोलेंगे शमशान जगा रहे हैं, 1 घंटा तुम्हें जगा देते हैं। उस 1 घंटे में तुम गीता का 1 अध्याय पढ़ सकते थे, और 1 अध्याय पढ़ लोगे गीता का, यकीन मानो इतनी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें मिलेगी, ऐसे मसान उसान 3, 5, 13, 35 हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें तो चमत्कार और लालच चाहिए, चमत्कार और लालच चाहिए, तो तुम ऐसे चमत्कारी और लालची व्यक्ति के साथ जुड़े हो। कहा गया है ना, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और साधु से साधु मिले, मिले नीच से नीच। तुम्हारा भाव जैसा है तुम उसी प्रकार के व्यक्ति से मिलते हो। तुम खुद अनपढ़ जाहिल हो, इसलिए उस व्यक्ति से मिलते हो जो खुद अनपढ़ जाहिल हो, जो तुम्हें कहानियां सुना सके। और तुम पढ़े लिखे रहोगे, तुम पढ़े लिखे व्यक्तियों से बात करोगे। एक डॉक्टर डॉक्टर के साथ समय ज्यादा बिताएगा, एक इंजीनियर इंजीनियर के साथ समय ज्यादा बिताएगा, एक ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति के साथ समय ज्यादा बिताएगा, और एक मूर्ख बीड़ी पीने वाला या ऐसे बैठ के सुट्टा लगा के चौपाल पे बैठ के चाय पी के बाजार में दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो चर्चा करेगा। तो तुम जैसे हो उसी के साथ जुड़ते हो। तुम कैसे हो आईना देखना, कि मुझे क्या धर्म के विषय में जानकारी है, क्या शास्त्रों के विषय में जानकारी है, क्या तुम रामचरितमानस और हनुमान चालीसा से कभी ऊपर उठ पाए हो। पहले अपनी औकात देख लेना, फिर उसके बाद आप अपना चुनाव करना। मूर्खों के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। अगर कोई मूर्ख हो, चमत्कार चाहने वाले हो, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। हम 10 अच्छे लोगों को बनाएंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे बनाएंगे जिन्हें धर्म और शक्तियों के ऊपर गर्व होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने शक्तियों और धर्म को बनाया है, वो ये कहेंगे कि धर्म ने हमको बनाया है। हम 10 ऐसे लोगों को खड़ा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।